बच्चों आज शुरू करते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट थ्री एंड इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको आरएनए में कॉपी कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है यानी कि एक आर बनाना जिसमें जो बेस सीक्वेंस होगी वो डीएनए की तरह से ही होगी द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्नस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के एक स्टैंड के सामने वाले स्टैंड पर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ही अटैच होते हैं इसी हिसाब से आरएनए भी बनेगा तो उसमें भी वही सीक्वेंस आएगा इसे कॉम्प्लीमेंटेरिटी कहते हैं लेकिन इसमें एक फर्क ये है कि एडिनोसिन या एडीन जो एडिनोसिन का मतलब जो आ, एडिनिन वाली जो न्यूक्लियोटाइड है वो अब यूरेसिल के साथ पेयरिंग करेगी ना कि थाइमिन के साथ और इसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड आएंगी ना कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आएंगी नीचे देखिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिखाइए डी का एक पार्ट है जिसमें एक प्रोमोटर रीजन है यहाँ से आर बनना शुरू होता है एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसके जैसा आर बनता है और एक टर्मिनेशन साइट है यहाँ पे आकर के ये प्रोसेस बंद हो जाता है जो थ्री से पाँच फाइव प्राइम एंड की तरफ को स्ट्रैंड चल रहा है इसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी बनेगी यह टेम्पलेट का काम करेगा और जो फाइव प्राइम एंड से थ्री प्राइम एंड की तरफ को स्टैंड चल रहा है इसके जैसा आरएनए बनेगा बस फर्क इतना होगा कि राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगी और थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा तो ये कोडिंग स्ट्रैंड जिसे लिखा है ये असलित में कोडिंग नहीं कर रहा है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कोडिंग कर रहा है प्रोमोटर रीजन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में जहां पे टी ए टी ए, ए टी आ जाए तो वहां से प्रमोशन होता है इसका आरएनए बनना शुरू होता है यूकैरियोट्स में टी ए टी ए, 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 ए इस तरह से आ जाए वहां से आरएनए बनना शुरू होता है स्ट्रक्चरल जीन वो एरिया है जहां पे पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन का फॉर्म होगा और एक फॉर्मेशन ऑफ आरएनए होगा और आखिर में जो टर्मिनेशन एरिया है वहां पर जाकर के ऐसी साइट होती है जिसे वो रिकॉग्नाइज करके आर ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो थ्री प्राइम से फाइव स्ट्रैंड की तरफ जा रहा है लेकिन जो हमें आर मिलेगा वो फाइव स्ट्रैंड से फाइव प्राइम से थ्री प्राइम की तरफ को बना हुआ मिलेगा इस प्रोसेस में तीन प्रोसेस होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं एक इनिशिएशन एक इलोंगेशन और एक टर्मिनेशन द प्लेस वेयर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज स्टार्ट सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द साइट एक सिग्मा फैक्टर है वो एक एंजाइम है या को एंजाइम है जो मेन एंजाइम है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर साइट को रिकॉग्नाइज करता है पॉलीमरेज एंजाइम को वहाँ पर अटैच करता है और पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए बनाना शुरू करता है उसके बाद इलोंगेशन यानी कि सिग्मा फैक्टर अपनी जगह पर रहेगा लेकिन आर एन ए पॉलिमरेज आगे बढ़ता जाएगा और ये बबल बनता चला जाएगा ये डीएनए उतना ही खुलेगा और जितना पॉलिमरेज आगे बढ़ता जाएगा और एक नया स्ट्रैंड आरएनए का बनके निकलता जाएगा टर्मिनेशन साइट पर रो फैक्टर ने पॉलीमरेज एंजाइम को अलग कर देता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है प्रो में सिंपल प्रोसेस है लेकिन यूकैरियोट्स में थोड़ा मुश्किल है इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है इसमें तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं एक पॉलीमरेज फर्स्ट जो राइबोसोमल आरएनए बनाता है राइबोसोमल आरएनए वो होते हैं जो राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है एक पॉलीमरेज थर्ड है जो ट्रांसफर आर बनाता है ट्रांसफर आर का काम होता है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ट्रांसफर करना जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है और एक मैसेंजर आर बनाता है जो पॉलिम्रेस सेकंड कहलाता है ये मैसेंजर आर एन ए डी से जलकर राइबोसोम पे के पास जाता है और राइबोसोम के साइट पे अमीनो एसिडों को जोड़ करके प्रोटीन सिंथेसिस होती है लेकिन जब ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद निकलता है तो प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं उस टाइम ये मैसेंजर आरएनए नहीं होता उस टाइम इसको कहते हैं हाइड्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए इसका प्रोसेस करना पड़ता है तब मैसेंजर अरण्य बनता है ये प्रोसेसिंग है एक तो इसमें फाइव प्राइम एंड की तरफ सेवन मिथाइल ग्वानोसिन कैप लगाई जाती है ग्वानो ग्वानिन वाली न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ी जाती हैं फाइव प्राइम एंड की तरफ और एक पॉली एडिनिन बहुत सारी एडिनिन की पॉली न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ी जाती हैं लगभग 200 सौ थ्री प्राइम एंड की तरफ इसे टेलिंग कहते हैं तो एक कैप एक टेल लगाई जाती है जिससे कि दोनों किनारे सुरक्षित हो जाते हैं कोई एक्जोन्यूक्लियज एंजाइम इन्हें काट नहीं सकता और इसके अंदर एक चीज़ और होती है कुछ पार्ट काम के होते हैं कुछ पार्ट काम के नहीं होते जो काम के नहीं होते उन्हें इंट्रॉन कहते हैं जो काम के होते हैं उन्हें एग्जॉन कहते हैं इंट्रॉन्स को अलग किया जाता है और एग्जॉन को आपस में जोड़ा जाता है इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं रिमूवल ऑफ इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, इंट्रॉन्स ये सारा दिखाया गया है पहले ट्रांसक्रिप्ट बनेगा उसमें कैप लगेगी एक्जोन इंट्रॉन्स में से इंट्रॉन्स को काटा जाएगा एक्जॉन को आपस में जोड़ा जाएगा और बोली एडाइने टेल जोड़ी जाएगी तब ये मैसेंजर अरण्य बनेगा तो कैपिंग टेलिंग और स्प्लाइसिंग इसमें सारी चीज दिखाई गई हैं प्रमोटर एरिया फिर एक्जॉन वन एक्जॉन इंट्रॉन वन exon टू इंट्रॉन टू exon थ्री उसके बाद फिर इसमें मिथाइल जी जोड़े गए हैं सेवन मिथाइल गोनोसिन कैप जोड़ी गई है और फिर इधर की तरफ ये टेल जोड़ी गई है फिर स्प्लाइसिंग हुआ है इंट्रोन्स अलग हो गए हैं और एक्जोन तीनों जुड़ गए हैं तब ये मैसेंजर आर्न निकल आएगा ये स्प्लाइसिंग की खोज शार्प एंड रॉबर्ट्स ने की थी इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था तो आज केवल इतना ही अगले टर्न पर फिर हम इससे आगे के टॉपिक्स लेंगे थैंक यू